So students, now we are going to discuss about radioactivity. So as I already explained you regarding the stability of nucleus, that you know, if we have an unstable nucleus, agar koi ek unstable nucleus hai, theek hai, unstable nucleus ka matlab kya hai, bataya tha maine aapko ek aisa bada sa diagram bana ke bataya tha ki jiske andar forces balance na ho. Jaise yahan pe koi ek proton hai और ये जो बाकी जो बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं वो उसको रिपेल कर रहे हैं, राइट? याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये बहुत सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और जो उसके आसपास वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उसको अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं. जो न्यूट्रॉन्स हैं पास में, जो न्यूट्रॉन्स बैठे हुए हैं वो उस पर क्या लगा रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटोन भी, जो पास वाले प्रोटोन भी हैं वो उस पर क्या लगा रहे हैं, वो उस पर लगा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वो उस पर लगा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन जब ये रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को सुपरसीड कर जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स को राइट सुपरसीड कर जाता है, तब ये अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस. और अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वो इट अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन यानी अल्फा बीटा और गामा डीके, इट अंडरगोज और इट रेडिएट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेज इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल न्यूक्लियस. तो अनस्टेबल से स्टेबल होना, राइट, ये एक टेंडेंसी. तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, तो फर्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे, ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट. सो वी कैन अगेन राइट इट, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड व्हाट, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर अगर फोर्सेस इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, or due to the limited range of nuclear forces, or due to what, due to the limited range of nuclear forces, the nuclear forces hain, due to the limited range of nuclear forces kya hone wala hai, kya hone wala hai, nucleus will spontaneously disintegrate, theek hai, jo nucleus hai, unstable nucleus jo hai, unstable nucleus वो क्या करेगा, विल स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है नेचुरली, ठीक है, नेचुरली इट विल डिसइंटीग्रेट, मतलब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस वो रेडिएट करेगा, स्पॉन्टेनियसली इट विल डिसइंटीग्रेट, ओके, इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेट, तो इट विल स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट into a stable nucleus. So unstable से stable nucleus वो बनेगा. तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे nucleus होते हैं जो unstable होते हैं, और वो unstable से stable होने के चक्कर में, unstable से stable होने की कोशिश में वो radioactive radiations वो क्या करते हैं, डीके या रेडिएट करते हैं, अल्फा बीटा और गामा रेज रेडिएट करते हैं. So this phenomenon is called radioactivity. So that is the point. Okay, what is the point? So this phenomenon of radioactive disintegration, this phenomenon is called radioactivity. It's called radioactivity. मतलब basically एक unstable nucleus जो है वो nucleus stable जब disintegrate होता है, अनस्टेबल से स्टेबल में जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये एक्स है, एक्स से वाई बन जाता है, तो वो उसके साथ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट करता है. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. ऑलराइट, ओके, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड दैट अ रेडियो एक्टिव, a radioactive, we can say RA, a radioactive substance जो भी रहेगा वो stability कैसे achieve करेगा, radioactive substance achieves stability, it achieves what, stability, it achieves stability by disintegrating into a lighter nucleus, by disintegrating into a lighter nucleus, no, such that
such that you know there are less number of protons and there is less repulsion. Okay, so it disintegrates into a lighter nuclei and जो भी एक्सेस एनर्जी है वो क्या होगा, वो एमिट हो जाएगा. ठीक है, एंड द एक्सेस एनर्जी एंड बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ मास एंड दैट मास विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, सो एन एक्सेस एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ radioactive radiations. इसको हम लोग कह सकते हैं RAR, radioactive radiations. ठीक है, तो एक मान लो यहाँ पे हमने X ले लिया. X जो है this is unstable nucleus. ठीक है, एक unstable nucleus है जिसको parent nucleus भी आप कह सकते हो, क्योंकि इस parent nucleus से एक तो आपको मिलेगा Y. Y क्या है, Y जो है यहाँ पे ये है डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस. ठीक है, मतलब स्टेबल लाइटर डॉटर न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये है डिसइंटीग्रेशन, मतलब X has disintegrated into Y, disintegration. The nucleus, unstable nucleus X is disintegrating into Y, and while it is disintegrating into Y, it is radiating radiations, it is radiating radioactive radiations. So this is the concept of radioactivity. All right. So what is happening? So X is giving Y plus radioactive radiations. So this is a heavy nuclei, and this heavy nuclei, unstable nuclei, is converting into a light stable nucleus. A heavy unstable nucleus is converting into a light stable nucleus. So ye unstable, aur ye jo aap dekh rahe ho, this is stable. और उसके साथ साथ मिल रहा है हमें रेडियो एक्टिव रेडिएशंस. ऑलराइट, ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ दिस रेडियो एक्टिविटी. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. सो देयर हैज टू बी सम यूनिट, राइट? वी विल टॉक अबाउट दैट एंड व्हाट इज इट. ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. पहले आप ये समझ लो कि जैसे मान लो कि ये एक सैंपल है. फर्स्ट लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. और इसके अंदर यू नो देयर आर 100 रेडियो एक्टिव एटम्स, मतलब अनस्टेबल एटम्स. रेडियो एक्टिव एटम्स मतलब विच आर अनस्टेबल एटम्स. तो ऐसे यू नो देयर आर 100. तो अभी देखो यहाँ पे ये श्योर नहीं है कि कौन सा पहले डिसइंटीग्रेट होगा. कोई भी कभी भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है. ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक बास्केट में 100 एप्पल्स हैं, तो आपको पता नहीं है कि 100 एप्पल्स में से कौन सा पहले यू नो सड़ेगा, कौन सा पहले सड़ जाएगा, कौन सा पहले डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, राइट? कौन सा एप्पल पहले सड़कर हलवा बन जाएगा, आपको पता नहीं. यू डोंट नो. तो विच एप्पल इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट और डीके. डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है? डीके. ये आप एक सिंपल वर्ड समझ लो. डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है डीके. तो कौन सा एप्पल पहले डीके होगा, ये पता है क्या हमको? ये हमको नहीं पता है. कोई भी हो सकता है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो यहां में से यहां जितने ये आपको दिख रहे हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसमें से कोई भी डीके हो सकता है. ठीक है, कोई भी डीके हो सकता है. तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एक डी टी टाइम कंसिडर कर लू, तो इस डी टी टाइम में एक डीएन जो है, दिस इज वॉट, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच विल डीके, न्यूक्लियस विच विल अंडरगो डिसइंटीग्रेशन और विच विल undergo radioactive disintegration. ठीक है, radioactive disintegration. All right. तो यहाँ पे जो rate है disintegration का, rate of disintegration, वो क्या हो जाएगा? Rate of disintegration जिसको हम लोग activity बोलते हैं. ठीक है, this is also called as एक्टिविटी ऑफ दैट एलिमेंट. तो एक्टिविटी क्या हो जाएगा उस एलिमेंट का? वो एक्टिविटी हो जाएगा dN by dt. क्योंकि dt टाइम में dN जो है, dN यानी दिस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दे आर डिसइंटीग्रेटिंग. वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिविटी. व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज
spontaneous, it is spontaneous disintegration of nucleus. This is spontaneous disintegration of nucleus. Okay. So we should understand now, know one thing, that radioactivity of an element is measured in, radioactivity of an element is measured in dps. Now what is dps? Dps is disintegration per second. ठीक है, this is dps का मतलब क्या है? Disintegrations per second. Disintegrations per second. बहुत सिंपल है, disintegrations per second. अभी कितने रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, कितने एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहे हैं. जितने एक्स, अगर 100x 100y में कन्वर्ट हो गए तो इसका मतलब आपको 100 रेडिएशंस मिलने वाले हैं. यू गोइंग टू गेट 100 रेडिएशंस. इसका मतलब आपका जो रेडियो एक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसइंटीग्रेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीके ऑफ एक्स इनटू वाई. सो दैट्स द पॉइंट. सो रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड इन डीपीएस, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड. ऑलराइट, एंड वन थिंग मोर वी शुड नो इज the rate at which radioactive nuclei disintegrates is called as activity of that sample. It is called as the activity of that sample. So this is very very important. All right. तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जो एक्टिविटी है तो बेसिकली अगर हम प्रॉपरली उसको विद साइन के साथ लिखे तो माइनर डी एन बाई डी टी होगा. तो माइनर डी एन बाई डी टी क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो यहाँ पे एन है, यहाँ पे जो आप एन देख रहे हो, यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर इज जब हम कहते हैं कि एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी, ठीक है, या जो रेट है, रेट ऑफ डीके जो है, तो ये जो एन है, ये एन क्या है, ये समझ लिया आप. एन का मतलब है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई. ये तो एकदम ऑब्वियस ही बात है ना. जो न्यूक्लियस, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक न्यूक्लियस NU1, एक न्यूक्लियस NU2. अगर ये डीके हो चुका है, इफ इट इज ऑलरेडी डीकेड, तो क्या अब ये रेडियो एक्टिविटी में पार्ट लेगा? यस और नो? यस और नो? नो, ये पार्ट ही नहीं ले सकता. तो जो न्यूक्लियस अभी अनडीकेड है, जो अनडीकेड न्यूक्लियस है, वो ही रेडियो एक्टिविटी में पार्ट ले सकता है. इसलिए जो रेट ऑफ डीके है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई पे. लेकिन समय के साथ साथ ये जो n है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई है, ये समय के साथ साथ कम होते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे? टेल मी. कम होते जाएंगे. यस, ये समय के साथ साथ ये जो n है ये डिक्रीज होता जाएगा. इसका मतलब ये जो रेट है, ये रेट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, रेट ऑफ डीके. ठीक है, क्योंकि आपके पास, जैसे मानो मैंने एग्जांपल लिया, आपके पास यहाँ पे 100 एप्पल्स है. अभी 100 एप्पल्स है तो रेट ऑफ डीके ज्यादा होगा ना. यस, लेकिन जब ये सब डीके हो जाएंगे और 99 डीके हो गए, अब सिर्फ एक ही बचा है, तो धीरे धीरे वो रेट ऑफ डीके क्या हो जाएगा? कम होगा कि नहीं होगा? होगा. यस, वो कम हो जाएगा. वेरी गुड. तो ये पॉइंट है. तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब हम रेट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ डीके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ डीके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एन क्या है. ये हमेशा याद रखिए, ये एन का मतलब है उस इंस्टेंट पे, उस वक्त जब आप बात कर रहे हो, जिस इंस्टेंट पे आपको रेट निकालना है, एट टी इक्वल टू टी अगर आपको निकालना है रेट ऑफ डीके क्या है, तो उस इंस्टेंट पे, एट दैट इंस्टेंट, दिस एन इज द नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. Number of undecayed radioactive atoms बोल सकते हो आप, या nucleus बोल लो. ठीक है, तो ये point समझ में आ गया आप लोगों को, तो please इसको लिख लीजिए. तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूँ, जो unit है,
यूनिट जो है रेडियो एक्टिविटी का, तो यूनिट यूज्ड इज बैक्वेरल. यूनिट यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिविटी जो है दैट इज बैक्वेरल, BECQUERL, बैक्वेरल, BQ. एंड वन बैक्वेरल जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है 1 dps, यानी 1 disintegrations per second. That is 1 disintegrations per second. और भी यूनिट्स हैं, अदर यूनिट्स भी मैं बता देता आपको. अदर यूनिट्स जो है उसमें है आपके पास 1 curie, वो मैडम क्यूरी के नाम से है, ठीक है. तो अदर यूनिट्स आर, एक है CURIE क्यूरी, और 1 curie जो है दैट इज इक्वल टू, वो याद रखिए आप, 1 curie CI इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻¹⁰ dps. 3.7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 curie इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻¹⁰ dps, ठीक है, ओके. तो दिस इज अबाउट, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन, प्लीज नोट दिस डाउन.